बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है उसके जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कौन से शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से तैयार करोगे। बच्चों याद रखिएगा, नॉर्मली जो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो और जो हमारे चैप्टर नंबर 14, 15 और 16 हैं उनके जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर वो एक्सरसाइज के होते हैं, जबकि जो हमारे चैप्टर नंबर 7 से लेके हमारे चैप्टर नंबर 13 है बच्चों, इनके जो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो अंदर से आए होते हैं। उसमें डेफिनेशंस होती हैं, उसके अंदर रिएक्शंस होते हैं, उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, इस तरीके से कुछ कन्वर्जेंस होती हैं, इस तरह के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आए होते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर भी और लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर भी, उसको लाजमी देखना है। वो उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं कि हमारे मार्क्स एटलीस्ट 80 मार्क्स आ जाएँ, 80 प्लस आ जाएँ, 70 प्लस मार्क्स आ जाएँ, वो बच्चे उसको लाजमी देखें। इसके अंदर जो है मैं आप लोगों के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन शेयर करता हूँ। इसमें सबसे पहले अगर मैं इस दफ़ा, आप लोग जानते हो कि जो चैप्टर 1 है 2023 के अंदर और चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 5 है, इस याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन और इनके अलावा भी मेरे पास सॉल्व क्वेश्चन आंसर जो है मौजूद हैं, ईजी वर्डिंग के अंदर हैं। इस थोड़े से टाइम के अंदर भी आप उनको तैयार कर सकते हो, आपको पूरी बुक तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मेरे पास सारे साइंस सब्जेक्ट्स जो हैं उनके भी मौजूद हैं और साथ में फर्स्ट ईयर के भी हैं, सेकंड ईयर के भी हैं और साथ में इंग्लिश के भी मौजूद हैं। ये जो चारों आपके सब्जेक्ट्स हैं ये सॉल्व गेस की फॉर्म में भी हैं, चैप्टर वाइज नोट्स की फॉर्म में भी हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इंशाल्लाह आपका जो मैक्सिमम पेपर है उसमें से अटेम्प्ट हो जाएगा। अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो आ जाएंगे इंशाल्लाह, और अगर सैपली का डर है तो इंशाल्लाह वो तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, तो शॉर्ट आएंगे नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा। मैं डायरेक्ट चैप्टर नंबर 3 से बताने लगा हूँ जी। चैप्टर नंबर 3 का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, मोस्टली इनऑर्गेनिक के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। एक क्वेश्चन नंबर 4, 6 ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, 7 और 8 और 9 भी इम्पोर्टेंट हैं, एक है 10वां, एक है 11वां भी इम्पोर्टेंट है, जो एक इसके अंदर है 12वां 13वां भी इम्पोर्टेंट है, एक है 15, एक है 16 भी इम्पोर्टेंट है, एक है 17 और एक है 21 ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जो एक क्वेश्चन नंबर है जी वो है 4, 6 ये इम्पोर्टेंट है, एक है 7 और एक है 8 और 9 भी इम्पोर्टेंट है, एक है 10 और एक है 11वां भी इम्पोर्टेंट है, एक है 12वां 13वां और 13वां इम्पोर्टेंट है, एक है 15 और 16 भी इम्पोर्टेंट है, एक है 17 और फिर एंड पे है 21 जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है बच्चों चैप्टर नंबर 4 और इसका क्वेश्चन नंबर है 4 ये इम्पोर्टेंट है, इसके बाद है 5वां और उसका सी पार्ट इम्पोर्टेंट है, और एक है जी 6ठा क्वेश्चन बच्चों, एक है 7वां और 7वें का बी पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपने करना है सिर्फ। इसके बाद है 10 क्वेश्चन और वो इम्पोर्टेंट है, और 10 का जो पार्ट करना है वो एक पहला, एक दूसरा और एक 5वां पार्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है जी चैप्टर नंबर 6 और इसके जो है क्वेश्चन आपने टोटल 4 करने हैं, एक 4था 5वां इम्पोर्टेंट है, 8वां इम्पोर्टेंट है, 9वां इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है जी चैप्टर नंबर 7, इसका क्वेश्चन करना है आप लोगों ने 5वां 6ठा 7वां इम्पोर्टेंट है, 8वां 9वां और 15वां जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर नंबर 8, इसका 8वें का ए पार्ट और एक है 14 इम्पोर्टेंट, एक है 24 का ए पार्ट करना है और वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 9, उसका 5वां 6ठा और 12वां क्वेश्चन जो है वो इसका सिर्फ इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर नंबर है 10, उसका 4था और 5वां करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर है 11,
इसका पांचवा, छठा, सातवां और दसवां क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, उसका तीसरा पार्ट बस करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, इंपॉर्टेंट है, एक है 12 और एक है 13। इसके बाद है जी चैप्टर नंबर 12 बच्चों, उसका पांचवा, छठा, 17, 17 का बच्चों पहला पार्ट और एक है 20, ये आपने करने हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 है बच्चों, उसका चौथा, छठा, सातवां, 13वां और 14वां क्वेश्चन करना है। इसके बाद है बच्चों चैप्टर नंबर 14, उसका क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, 5, 9 इंपॉर्टेंट है और 10 भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 15 बच्चों, इसका चौथा और पांचवा इंपॉर्टेंट है, उसका ए पार्ट करना है बस, छठा उसका ए पार्ट और सी पार्ट इसका करना है और सी पार्ट इंपॉर्टेंट है, और सातवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसका ए और सी पार्ट करना है, और क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है और उसका बी पार्ट करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर लास्ट है जी 16, और उसके क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 और 16, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से एटलीस्ट दो शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी आते होंगे, अगर नहीं आते तो एक्सरसाइज के ये वाले क्वेश्चन जो है वो लाजमी करने हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पे गेस्ट मौजूद हैं, उनको भी रेडी करो, इंशाल्लाह पेपर आसान होंगे, आपका अच्छा हो जाएगा। दो में याद रखिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।